नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज, पंकज मोटर ड्राइविंग स्कूल का ओनर। आज मैं आपको कार चलाना सिखाऊंगा, कार चलाने के बारे में बताऊंगा। मेरे साथ हैं ईशा रावत। ईशा, क्या आपने पहले गाड़ी चलाई है? नहीं भैया, नहीं चलाई है। नहीं। आपने टू व्हीलर चलाया है? हाँ, टू व्हीलर चलाया। और कार के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि नहीं है? ज़्यादा नहीं, पर थोड़ी बहुत। चलो ठीक है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान गलत होता है। आज मैं आपको पूरा बेसिक से क्लियर समझाऊंगा। आ जाइए ईशा जी, एक बार सबसे पहले मैं आपको सीट एडजस्ट करना सिखाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले सीट एडजस्ट करने में ही आपको, अगर आप अच्छे से सीट एडजस्ट कर पाएंगे तो आपको क्या होगा, चलाने में कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, देखो सबसे अच्छा तरीका, हम ऐसे इसको पकड़ेंगे हैंडल को दोनों हाथ से, ठीक है, और लेफ्ट वाला हाथ अपना ऐसे करके नीचे ले जाएंगे। यहाँ पे एक लीवर होगा, यहाँ पे एक लीवर होगा, आपको उसको अपने हाथ से ऊपर उठाना है। ठीक है, और जो आपका राइट वाला हाथ है, ये देखो राइट वाला हाथ, राइट वाले हाथ की मदद से आपको आगे को अपनी बॉडी को खींचना है और ये सीट ऐसे एडजस्ट हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग, और जहाँ पे आपको छोड़ना है वहाँ पे आप ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक लीवर यहाँ पर भी होता है, उसको भी मैं एडजस्ट करना सिखाऊंगा। इसमें आप देखो, आप अपने बैक के अनुसार आप आगे और पीछे कर सकते हैं इसको, और जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है वहाँ पे आप इस लीवर को ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, कंफर्टेबल हो गई है। अगर आपकी सीट अच्छे से कंफर्टेबल होगी तो आप अच्छे से चलाएंगे, आपको जाने चलाने में गाड़ी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ए बी सी, ठीक है, ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच। ठीक है, ये तीन हमारे पास चीज़ें हैं, इनको हमें किस प्रकार से कंट्रोल करना है ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब देखो आप, जो आपका राइट वाला पाँव है वो ए और बी को प्रेस करेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी नहीं करना है, हमने इतना ऊपर भी नहीं, हमने पंजे से करना है। ठीक है, देखो उसमें थ्री पेडल्स होते हैं, देखो ए बी सी। ठीक है, जो हमारे राइट वाला पाँव है उससे दो पैडल को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ना हम ज़्यादा पाँव ऊपर करेंगे ना ज़्यादा नीचे करेंगे। अच्छा, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हमें शूज़ पहन के ही गाड़ी चलानी है। ठीक है, और कभी हमें मोटी हिल वाली नहीं पहननी है, कभी हमें चप्पल में नहीं करनी है, कभी चौड़े वाले शूज़ से नहीं चलानी है, कभी मोटे सोल वाले शूज़ से नहीं चलानी है, चप्पल में भी नहीं चलानी है। ठीक है, और एक नॉर्म्स भी है कि चप्पल में आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपका चलान कट जाएगा। ठीक है, शूज़ में चलानी है। तो हमें देखो राइट वाला पाँव ए बी ए बी ए बी इस प्रकार से यूज़ करना है हमें। ठीक है, एक जगह हमने ऐसे कर दिया ए बी, और जो हमारा सी वाला पाँव है उस पर राइट वाला पाँव रहेगा, सिर्फ ये सी पे रहेगा, इसका इसका यूज़ बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो ये तीनों पैडल है, तीनों पैडल के यूज़ करने के तरीके अलग अलग हैं। देखो ए जो है हल्का सा ही प्रेस करने में आपका काम कर जाता है, हल्का सा ही, देखो ये, देखो ये ध्यान दो, इतना सही अगर हम प्रेस करेंगे इतना सही गाड़ी बहुत तेज चलने जाती है। बी है, जो बी के लिए आप देखिए बी पे ऐसे रखेंगे पाँव, बी को इतना लगाने में आपकी ब्रेक लग जाती है। मतलब तीनों में आपको अलग अलग पावर लगानी है, लेकिन ये हो जाएगा आपको। और जो सी है हमारा, हमें हमेशा जल्दी से दबाना है, क्लच हमें पूरा नीचे तक दबाना है, ए और बी हमें थोड़ा सा ही दबाना है। ठीक है, लेकिन कभी भी हम जब क्लच दबाएंगे तो हमेशा हम पूरा दबाएंगे, पूरा नीचे तक दबाएंगे, और उसको फास्टली दबाएंगे और छोड़ेंगे हल्के हल्के, कभी झटके से नहीं छोड़ना है, नॉर्मल छोड़ना है आपको। ठीक है, ए बी ए ए बी ए बी ए बी, ठीक है, सी। हमने क्या करना है, जब हम गाड़ी गियर चेंज करेंगे तो क्या है, हमें क्लच पे पाँव नहीं रखना है। जब हमारी गाड़ी मूव होगी, हमें पाँव रखने के लिए जगह दी गई है। ठीक है, हमें क्लच पे कभी पाँव नहीं रखना है। अगर हमारा क्लच पे पाँव रहेगा तो क्लच पेयर जो है इससे जलती है, बर्न होती है। अगर हम एक्सीलेटर के साथ क्लच को, अगर एक्सीलेटर का क्लच दबा रहेगा तो हमारी जो क्लच प्लेट है वो उसकी जो वो है वो कमज़ोर होती है। आप एक्सीलेटर को, ठीक है, जब आप एक्सीलेटर को यूज़ करोगे तो क्लच पे पाँव नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर आप अगर क्लच के साथ एक्सीलेटर प्रेस करोगे तो उससे क्या होगा, क्लच प्लेट पे प्रेशर पड़ेगा और उससे क्लच प्लेट फूकती है धीरे धीरे कर करके ना क्लच प्लेट जो है आपकी कमज़ोर हो जाएगी और फिर आपको क्लच प्लेट चेंज करानी पड़ेगी। तो हमें क्लच और एक्सीलेटर का एक साथ यूज़ नहीं करना है। अब देखो मैं दोबारा से आपको यूज़ करके बता रहा हूँ, ठीक है, ए बी ए बी सी। ठीक है, जब हमें क्लच का यूज़ होगा ना, क्लच का यूज़ जब होगा हमारा, तो क्या होगा कि हमें पूरा दबाना है जल्दी से और छोड़ना नॉर्मल है। क्लच हमेशा हमें फटाफट फास्टली दबाना है, पूरा दबाना है। अगर हम क्लच पूरा नहीं दबाएंगे तो क्या 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 हो सकता है, देखो अगर हम क्लच पूरा नहीं दबाएंगे तो आपका जो गियर नहीं लगेगा अच्छे से, गियर अच्छे से नहीं लगेगा, गियर अटक जाएगा। अब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, गियर अगर आपका नहीं लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा तो आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप लर्नर्स हो। हमेशा क्लच पूरा दबाना है, जल्दी दबाना है और लेकिन छोड़ना हल्के हल्के। ठीक है, अब एक सिचुएशन और है मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो फर्स्ट गियर होता है हमारा, फर्स्ट गियर में हमें सिर्फ क्लच ना, फर्स्ट गियर में सिर्फ हमें हाफ क्लच छोड़ना होता है, हाफ क्लच। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा, ये आपको इसके बारे में इतना डीपली दूसरी वीडियो में बताऊँगा।
सर देखो मैंने आपको ABC के बारे में बताया अभी क्या क्या यूज़ होता है और सीट बेल्ट एडजस्ट करना सिखाया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे, उसके बाद मैं आपको और चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। अब आइए, आप इधर से आते हैं। इनके बारे में बताया ए बी सी, ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक एंड सी फॉर क्लच। ठीक है, जो मैंने आपको सीट एडजस्टमेंट के बारे में बताया, अब आपको उसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लिया, ठीक है। पहले हम राइट हैंड से इसको पकड़ेंगे स्टीयरिंग को, देन लेफ्ट हैंड से लीवर को आगे और पीछे अपने हिसाब से कर लेंगे। बैक वाला आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, ये इससे ही आगे पीछे हो जाओ। इधर वाले लीवर से आप अपने बैक पोर्शन का सेट कर सकते हैं आगे एंड पीछे ऐसे। अच्छा, मैंने आपको एक नया फंक्शन आया है आजकल गाड़ियों में, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का। आप स्टीयरिंग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, उसको ऊपर या नीचे आपको ठीक लग रहा है, या ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं आप? करना चाह रहे हैं। मैंने आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बताया, क्या आपको कंफर्टेबल लगा स्टीयरिंग, या थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहते हैं? थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, आप अपने हिसाब से करिए। लॉक बताया मैंने आपको, लॉक देख लीजिए, लॉक कैसे नीचे करेंगे, इसको अपने ऊपर करके फिर दोबारा लॉक लगा देंगे, ठीक है। अब आपको कंफर्टेबल लग रहा है? हाँ जी, अब कंफर्टेबल। ठीक ठीक है, अब आप दरवाजा बंद करेंगे, ठीक है, इधर से हम भी तरफ करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको गाड़ी में बताता हूँ, गाड़ी चलाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपने दरवाजा बंद कर लिया, ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हैंड ब्रेक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यूज कैसे होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो थी सीट बेल्ट, और सीट बेल्ट लगानी जरूरी है। तो और मैंने आपको भी बताया कि सीट बेल्ट कैसे लगाई जाती है, ठीक है, आप भी देख लीजिए और लगाइए सीट बेल्ट लगाने का तरीका कैसे, ठीक है। लेफ्ट हैंड अपना पकड़ना है आगे आपको, ठीक है, राइट हैंड अंदर डालना है, देन उसके बाद थोड़े हाथ से ये करके आपको सीट बेल्ट, ठीक है। सबसे पहले सीट बेल्ट जरूरी है, हमें अगर गाड़ी चलानी है तो सेफ्टी के साथ चलानी है, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें अपने आप भी सेफ चलना है और उनको भी सेफ करके चलना है, और हमें हमेशा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गाड़ी हमेशा शूज़ में चलानी है, फ्लैट वाले शूज़ में चलाओगे और अच्छी बात है, कभी चौड़े वाले शूज़ नहीं होने चाहिए, मोटे सोल वाले नहीं होने चाहिए। अगर आप चप्पल में शूज़ चलाएंगे तो चप्पल में गाड़ी चलाएंगे आप तो आपका चलान कटेगा, क्योंकि नॉर्म्स में है कि आपको शूज़ में हमेशा चलानी है, सीट बेल्ट लगा के चलानी है। अगर हम गाड़ी रूल एंड रेगुलेशन में चलाएंगे तो कभी हमारे साथ मिस हैपनिंग नहीं होगी, ठीक है। रूल एंड रेगुलेशन इसलिए बने हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। देखो, अब आपकी सीट भी एडजस्ट हो चुकी है, स्टीयरिंग भी एडजस्ट हो चुका है, अब और भी चीज़ें आपको एडजस्ट करनी है, क्योंकि मैं आपको इतना डीपली और दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप गाड़ी की सीट अच्छे से एडजस्ट होगी, स्टीयरिंग अच्छे से एडजस्ट होगा, तो आप अच्छे से कंफर्टेबल गाड़ी चला पाएंगे, ठीक है। सीट बेल्ट लगी होगी, सीट बेल्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कभी भी आपको हैंडल जो है 180 डिग्री के एंगल में पकड़ना है, पकड़ो पकड़ो, ठीक है। ऐसा इसलिए पकड़ना है, देखो ऐसा इसलिए पकड़ना है, सीट बेल्ट की पहले मैं आपको सीट बेल्ट करना चाहता हूँ। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगी होगी आपकी गाड़ी की, तो एयरबैग आपका नहीं खुलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर सीट बेल्ट लगी रहेगी तो एयरबैग आपका खुलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, तो हमें हैंडल ऐसे इसलिए पकड़ना है कि अगर आपका हैंडल ऐसे पकड़ा, ऐसे रखो यहाँ पे हाथ, ठीक है, जो आपका एयरबैग होता है वो 380 की स्पीड से खुलता है, ठीक है। अगर आपका हाथ यहाँ रहेगा तो ये देखिए आपका हाथ ऐसे करके यहाँ लग सकता है आपके मुंह पर, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया, 380 की डिग्री से अगर आपके हाथ खुले, एयरबैग खुलेगा, आपका हाथ यहाँ लगेगा, आपको चोट लग सकती है। अगर आपका हाथ ऐसे होगा तो आपके हाथ ऐसे, ठीक है, इसलिए हमेशा हैंडल को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और 380 डिग्री की स्पीड से खुलता है एयरबैग, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए। सीट बेल्ट लगी होगी तभी एयरबैग खुलेगा। सबसे पहले आप गाड़ी स्टार्ट करिए, क्लच पूरा दबाना है आपको ना। मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए इसलिए बोला है कि अगर गाड़ी स्टार्ट रहेगी तो फंक्शन काम करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा फंक्शन के बारे में बताता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंडिकेटर। देखो, इंडिकेटर भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको टर्न होना है तो इंडिकेटर का यूज़ ज़रूर करना है आपको, ठीक है। इंडिकेटर लगभग आपका 100 से 50 मीटर पहले आपको, जैसे आपको राइट टर्न होना है तो जो ये वाला स्टिक है ना, इसको आपने एक उंगली से हल्के से ऊपर को पुश करना है, देखो करो उसको पुश, ठीक है। जब आप राइट लेफ्ट मुड़ जाएंगे उसके बाद इंडिकेटर खुद बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको राइट मुड़ना है तो इंडिकेटर को नीचे को पुश करना है, ठीक है। इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 100 या 50 मीटर पहले इंडिकेटर देना है, ये इंडिकेटर ऑन करना है,
बंद खुद हो जाएगा वो, ठीक है। मैंने हैंड ब्रेक के बारे में बताना है आपको, ठीक है। कभी भी आप गाड़ी खड़ी करेंगे, पार्क करेंगे, तो आपने क्या करना है, हैंड ब्रेक को ऊपर खींच देना है। देखो इसको ना, इसको जब हम रिलीज करते हैं गाड़ी चलाने से पहले, तो हमने इसको हल्के से नीचे पावर लगानी है एंड इसको बटन को ऐसे करना है। लेकिन जब हैंड ब्रेक लगाएंगे तो हमको ऐसे लगाना है, ठीक है। एक आवाज़ आनी चाहिए ताकि हमारे माइंड सेट हो जाए कि हैंड ब्रेक लग गई है, ठीक है। और इसको रिलीज कैसे करना है, थोड़ा सा यहाँ से उठाना है, नीचे से बटन को दबाना है, ठीक है। पर क्या है, मैंने आपको गाड़ी स्टार्ट पहले इसलिए करवाई है, अगर आपकी गाड़ी ढलान पे होती और आप हैंड ब्रेक नीचे कर देते, गाड़ी तो स्टार्ट थी नहीं आपकी। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं थी तो ब्रेक भी आपकी काम नहीं कर रही थी। आपकी गाड़ी स्टार्ट होती सर आपकी ब्रेक काम करेगी। तो आपने क्या करना है, जब भी आप हैंड ब्रेक नीचे करोगे तो आप ब्रेक पे पाँव रखोगे, ठीक है। आप ब्रेक पे पाँव रख लीजिए, हो सकता है आपकी गाड़ी चढ़ाई में हो, सकता है ढलान में हो, ठीक है। अब आप हैंड ब्रेक नीचे करके दिखाइए, ऊपर उठाइए थोड़ा उसको, ऊपर हाँ नीचे कर दीजिए, ब्रेक आपकी दबनी चाहिए, ठीक है। अब हम गाड़ी को मूव करेंगे, गियर में आपको बाद में बताऊंगा, गियर लीवर होता है। अभी आपको जैसे आप स्कूटी चलाते हो एक्सीलेटर ब्रेक इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक ही बारे में मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, ठीक है। अब हम मूव करेंगे, बैठ जाइए, सीट बेल्ट मैं भी लगा देता हूँ। सब आपको गाड़ी चलानी है, गियर में आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको ऐसे चलानी है जैसे आप स्कूटी चला रहे हो, ठीक है। अब आप क्लच दबाइए पहले, अपने हाथ अच्छे से पकड़िए ऐसे, ठीक है। अब गियर में लगाऊंगा, आपको सिर्फ आगे देखना है, ठीक है। क्लच आपको पूरा नहीं छोड़ना है, एक पाँव आपका ब्रेक पे रहेगा, ब्रेक पे रखिए पाँव। फर्स्ट गियर में आपको स्पीड देने की जरूरत नहीं है, ओनली सिर्फ आपको हाफ छोड़ना है क्लच, हाफ भी नहीं। आप ये सोचो, अब आप नीचे तो देखोगे नहीं, हाफ छोड़ना है, तो जिस मोमेंट पे गाड़ी मूव होगी उस मोमेंट पे आप क्लच को कांस्टेंट कर लेना। अब हल्के हल्के क्लच छोड़िए, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, आगे देखिए, पाँव ब्रेक पे रहेगा आपको, और छोड़िए, बस कांस्टेंट करिए क्लच को, हाँ। अब पूरा छोड़ दीजिए, ठीक ठीक है, आपको डरना नहीं है। अब थोड़ा सा लेफ्ट साइड चलिए अपनी, हाँ जी, सीधी करिए। अभी आपको सिर्फ ऐसा फील कराऊंगा कि आप स्कूटी चला रहे हैं, दूसरे वीडियो में मैं आपको गियर भी बताऊंगा, सीधी करिए, हाँ जी। ठीक है, अब मैं सेकंड गियर लगाऊंगा। अब हमें थोड़ा स्पीड बढ़ानी है तो हम नेक्स्ट गियर लगाएंगे। एक फर्स्ट गियर की एवरेज स्पीड 10 की होती है, एक मान लो एवरेज स्पीड, ठीक है। अब हमें 10 से थोड़ा तेज चलना है, तो अब स्पीड छोड़ के क्लच दबाइए, आप ये छोड़ो, सी पूरा प्रेस करिए जल्दी से, जो मैंने बताया था सेकंड गियर मैंने लगा दिया है। अब क्लच छोड़ दीजिए आप नॉर्मली, अब स्पीड बढ़ाइए, हल्के से चलानी है आपको, ज़्यादा तेज चलानी है। आप अभी आप लर्नर हो, फर्स्ट डे है आपका, तो आप हल्के चलानी है आपको, ठीक है। अपनी लेफ्ट साइड चलना है, मैं अभी आप लेफ्ट साइड चलते रहिए, डरना नहीं है, हम रूल में चल रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं, तो कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमने सीट बेल्ट लगाई है, ठीक है। साइड में चल रहे हैं, हल्के चल रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, अपनी साइड चलना है। और शुरू में आपको हल्के ही चलना है, तेज नहीं चलानी है गाड़ी, सेकंड गियर तक ही चलना है। अभी आप लर्नर हो इसलिए मैं आपको आप चलाइए आराम से, बीच में हॉर्न है, आप लेफ्ट हैंड से यूज करना है आपको। ठीक है, अब हल्के से स्पीड बढ़ाइए, हल्के ए को प्रेस करिए, अब आगे बहुत, अब आपको आगे भीड़े यहीं से हॉर्न बजा दीजिए, आप स्पीड छोड़ दीजिए अपनी। मैंने डिसीजन पहले ही लेने हैं, ठीक है, हॉर्न बजा दीजिए, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे वो हट जाएंगे। चलो अब हल्के हल्के बढ़ा दीजिए, देखो रास्ता क्लियर हो गया ना, तो गाड़ी जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलती है और डिसीजन थोड़े पहले लेने होते हैं। ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी है, हल्के ही चलानी है, उसका अभी आप लड़ना हो तो इसलिए आपको गाड़ी हल्के ही चलानी है। अब देखो जैसे अब हमें गाड़ी वहाँ पे रोकनी है ना, तो हमें पहले डिसीजन लेना है, सबसे पहले आप एक्सीलेटर छोड़िए, ठीक है, एक्सीलेटर छोड़ दिया, ब्रेक के ऊपर पाँव रखिए आप, ठीक है, आपको प्रेस नहीं करनी है, पाँव रखना है, हमें यहाँ साइड में लगानी है। अब देखो क्लच दबाइए, क्लच दबाइए, हल्के हल्के ब्रेक लगा दीजिए, हल्के 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 हल्के,
ठीक है, अभी क्लच नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। सबसे पहले मैंने गाड़ी न्यूट्रल कर दी है, अब आप क्लच छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ना आप हैंड ब्रेक खींच दीजिए जैसे सिखाया था झटके से, हाथ दबा के नहीं खींचनी, आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। अब और गाड़ी ऑफ कर दीजिए, पूरी ऑफ कर दीजिए, ठीक है। सीट बेल्ट खोल दीजिए, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और जानकारी दूंगा, डीपली बताऊंगा गाड़ी को किस प्रकार सेफ्टी चलाया जाता है, ठीक है दोस्तों।